हेलो बच्चों, 13.4 एक्सरसाइज का वीडियो भेजने के बाद आज 13 चैप्टर से एक और वीडियो मैं भेज रहा हूँ जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से है, और वो चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.5 से। नाउ 13.5 ऑनवर्ड्स हम वॉल्यूम ऑफ द डिफरेंट शेप्स जो है क्यूबॉइडल शेप्स या तो सॉलिड शेप्स, उनके वॉल्यूम्स के बारे में बात करेंगे। अब तक हमने 13.1 से 13.4 तक जितने भी मैंने वीडियोस भेजे थे वो कर्व सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के बारे में वीडियोस थे जो सॉलिड सरफेस से रिलेटेड थे। अब वही सॉलिड सरफेस के हम वॉल्यूम के बारे में फाइंड करेंगे, हाउ टू फाइंड आउट द वॉल्यूम। तो अगर किसी भी सॉलिड शेप्स हम बारी बारी एक एक सॉलिड शेप लेते जाएंगे, सबसे पहले क्यूब और क्यूबॉइड की बात हो रही है 13.5 एक्सरसाइज में। तो क्यूब और क्यूबॉइड में अगर मुझे वॉल्यूम फाइंड करना है क्यूबॉइड का, तो वो लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, तीन डायमेंशंस आएंगे, तीन साइड आएंगे, लेंथ आएगा, ब्रेथ आएगा और हाइट भी आएगी, तो वॉल्यूम निकलता है। वॉल्यूम मतलब द स्पेस विच इज ऑक्यूपाइड विद इन दैट पर्टिकुलर शेप। जैसे कि कोई एक बहुत बड़ा कंपास बॉक्स आपका है तो वो क्यूबॉइडल शेप है, फ्रीज आपका क्यूबॉइडल शेप है, तो वो अंदर की भी जो स्पेस है वो कितनी स्पेस रोकता है, वो उनकी कैपेसिटी है। तो वो कैपेसिटी फाइंड करने को हम बोलेंगे वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम मीन्स इट ऑल्सो इंक्लूड्स द स्पेस विद इन। अंदर जो कोई भी शेप है, क्यूब है या क्यूबिड है, उसके अंदर की जगह का भी हम एरिया फाइंड करें पूरे पूरा, इंक्लूडिंग लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, देन इट इज सेड टू बी अ वॉल्यूम। नाउ इट कैन बी फिल्ड बाई आइदर एनी फ्लूइड्स। जनरली क्या होता है कि कोई भी वॉल्यूम्स, आई मीन क्यूबॉइडल शेप्स होते हैं जिसके अंदर लेंथ, ब्रेथ और हाइट का जो हम फाइंड करने को होता है, उसके अंदर क्या फ्लूइड होता है, या तो एयर होती है या तो कोई लिक्विड होता है। तो उनको जब हम फाइंड करते हैं तो हम उसको कैपेसिटी कहते हैं। कैपेसिटी को फाइंड करना होता है तो जनरली हम उसको मेजर करते हैं लीटर्स में या मिली लीटर्स में, अगर बहुत छोटा सा अमाउंट हो तो आइदर इन लीटर्स और मिली लीटर्स। और यहाँ पर एक और चीज़ भी मुझे ध्यान रखनी है कि कभी कभी क्या हम जो कोई क्यूबॉइडल शेप होता है उसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट जनरली मीटर में नापी जाती है, राइट? क्योंकि हम लेंथ, ब्रेथ और हाइट को तो मीटर में लेते हैं या सेंटीमीटर में लेते हैं, बहुत छोटा हो तो उसका जो एरिया आएगा या तो उसका कैपेसिटी आएगा वो लेंथ, ब्रेथ, हाइट में मीटर स्क्वायर में होता है, राइट? क्योंकि तीनों के यूनिट्स मीटर में है। क्योंकि लेंथ में अगर फाइंड करूँगा लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तो जनरली मुझे मीटर में ही उसको फाइंड करना होता है, फिर उसको कन्वर्ट करना होता है लीटर्स में। तो वो हम सीखेंगे। एक मैंने सम यही वही किया है कि हाउ टू कन्वर्ट मीटर इनटू लीटर्स, क्योंकि जनरली मुझे कैपेसिटी फाइंड करनी होती है, वो मुझे लीटर्स में फाइंड करनी पड़ेगी। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी गई है, कैपेसिटी एक यहाँ पे वाटर टैंक है जिनका मुझे लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया है। उन्होंने पूछा है कि कितना लीटर उसके अंदर पानी आ सकता है, दैट व्हाट आई नीड टू फाइंड आउट। अब सबसे पहले तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी है तो कैपेसिटी फाइंड कर लो, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, क्योंकि क्यूबॉइड है तो वॉल्यूम फाइंड करना हो तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट ही उनकी फॉर्मूला है जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख दी है। लेंथ इज 6, ब्रेथ इज 5, आई मीन इट इज़ गिवन इन मीटर्स, 6 मीटर्स, 5 मीटर्स एंड 4.5 मीटर्स इज द हाइट। तीनों को मल्टीप्लाई करो तो मुझे मिलेगा 135 मीटर स्क्वायर, तो मुझे मिलेगा 135 मीटर स्क्वायर। अब ये जो 135 मीटर स्क्वायर वो तो मीटर में हुआ, ओके? जब भी मुझे कोई चीज़ को मीटर में फाइंड करना है और मुझे पूछा ये गया है कि वो जो वाटर टैंक है जो 135 मीटर स्क्वायर की, वो कितना कैपेसिटी, कितना पानी अंदर आ सकता है। अब पानी को नापना है तो वो लिक्विड है तो उसको तो मुझे लीटर में नापना पड़ेगा। दैट मीन्स कि मुझे ये जो 135 मीटर स्क्वायर है उसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा लीटर में, तो मुझे मिल जाएगा कि कितनी कैपेसिटी होगी उस वाटर टैंक की, राइट? तो उसके लिए बेसिक यूनिट है कि 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1000 लीटर, 1 मीटर क्यूब, सॉरी नॉट स्क्वायर, सॉरी, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। यहाँ हर जगह पर मीटर क्यूब होगा, माइंड यू, सॉरी फॉर दैट, इट विल बी मीटर क्यूब एवरीवेयर, क्योंकि तीन डायमेंशन है। दैट मीन्स के 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। अब 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, देन अगर मेरे पास 135 मीटर क्यूब है, देन हाउ मेनी लीटर्स इट कैन होल्ड? जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, 135 मल्टीप्लाई बाई 1000, इन दोनों का
क्रॉस मल्टीप्लाई में ये मल्टीप्लाई होगा, वन तो नीचे चला जाएगा जिसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। सो 135000, दैट मीन्स के 135,000 लीटर्स ऑफ वाटर अ वाटर टैंक विथ 135 मीटर क्यूब कैन होल्ड। सो मैंने वो कैपेसिटी फाइंड कर ली कि अगर मेरे पास 6 मीटर ब्रेथ ऑफ 5 मीटर एंड हाइट ऑफ 4.5 मीटर की टंकी है तो वो 135,000 लीटर्स ऑफ वाटर होल्ड कर सकता है। इट इज़ वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है बच्चों। तो 13.5 से बाकी के जो भी सम है वो आप होमवर्क में कर दीजिए, और कोई डाउट हो तो मुझे ग्रुप में ज़रूर भेजिएगा, आई विल सॉल्व एंड गिव यू। इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।